सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना। कोटा से, कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। कोटा में कोरोना से दूसरी मौत, पति के बाद पत्नी की भी हुई मौत और सुपर स्पेशलिटी विंग में भर्ती बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया है। पिछले 10 दिन से अस्पताल में वो भर्ती था। तो आपको बता दें कि कोटा में कोरोना से ये दूसरी मौत हुई है, पति के बाद पत्नी की भी मौत हो गई है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चौरण जुड़े हुए हैं। भंवर, पहले पति की मौत और अब पत्नी की भी मौत हो गई है। देखिए दिव्या, आज से 10 दिन पहले कोरोना ने कोचिंग सिटी कोटा में दस्तक दी थी और जो पहले पॉजिटिव पाए गए थे तेलगर निवासी बुजुर्ग जो बैंड वाले के नाम से मशहूर थे, उनकी जो जांच रिपोर्ट थी वो उनकी मौत के बाद आई थी। मौत के बाद पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। 10 दिनों के बाद जाकर के कोटा में कोरोना से दूसरी मौत हुई है और जिस पहले कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई थी उन्हीं की ये पत्नी है। तो कुल मिलाकर के अब दो कोरोना जो है वो दो जाने कोटा में ले चुका है और कुल मिलाकर के जो संक्रमितों की तादाद है वो फिलहाल कोटा में इस वक्त 84 तक पहुंच चुकी है। हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं और कोटा से दो और चिंता बढ़ाने वाली खबरें भी हमारे पास है। कोटा शहर का जो एक नामचीन निजी अस्पताल है उनके एम्बुलेंस जो चालक है वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। एक यहाँ पर आज आशा सहयोगिनी जो है उसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वो 10 की टीम के साथ काम कर रही थी और कई बस्तियों में जाकर के सैंपलिंग कर रही थी। इसके अलावा भामाशाह मंडी को कुछ देर पहले आनंद फानंद में बंद किया गया है, शायद वहां भी कोई संदिग्ध कोरोना का मिला है। तो कुल मिलाकर कोटा में हालात चिंताजनक है और जो कर्फ्यू वाला इलाका है जिसके नीचे तरफ चंबल नदी पड़ती है वहां से कई लोगों के लगातार निकल करके और चुपके चुपके नदी पार करके नदी पार के दूसरे इलाके में जाने की खबरें मिली थी। ये जो इलाका है ये मकबरा इलाका है जो कि एपी सेंटर है कोरोना का, यहाँ से अगर नदी पार करके लोग चुपके से निकलते तो कोटा शहर के दूसरे इलाके में कोरोना फैल सकता था। ये पूरे सवाल रेंज आईजी रविदत्त गौर के सामने फर्स्ट इंडिया ने दोपहर में रखे थे। उन्होंने खबर की पुष्टि की और जैसे ही उनका इंटरव्यू फर्स्ट इंडिया पर टेलीकास्ट हुआ उसके बाद कोटा पुलिस एक्शन में आ गई है। 16 गिरफ्तारियां हुई है, 14 नावें नष्ट की गई है और अब कोटा पुलिस नदी के अंदर भी पेट्रोलिंग करेगी और जो नदी के किनारे और जो घाट है वो भी बैरिकेड करके पूरी तरह से प्रशासन की एक्टिवनेस यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भंवर एस चौरण हमारे से जुड़ने के लिए जानकारी देने के।